अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज हम इंशाल्लाह क्लास 10th यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, एक्सरसाइज 4.3 रिजॉल्व इनटू अ पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1, 3x माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 3 रोंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रोंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ। अब डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में और एक्सरसाइज 4.2 में ये फ़र्क है कि इधर हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन पीछे जो हमने एक्सरसाइज सॉल्व की है एक्सरसाइज 4.2, उसमें ये था एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर। या ठीक है, इससे पीछे वाली एक्सरसाइज 4.1 में ना ही एक्स का स्क्वायर था और ना ही होल का स्क्वायर था। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 राउंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो फाइंड करेंगे। सॉल्व जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे। लेट क्या बनेगा हमारे पास, 3x माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 3 रोंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल। अब a ओवर एक्स प्लस 3। नेक्स्ट, अब डियर स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए हम इधर लेट क्या करेंगे, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट, अब वही नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि हमने इसके डिनोमिनेटर के साथ इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। जी, अब क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल। अब लिखेंगे, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई ए ओवर एक्स प्लस 3। नेक्स्ट, प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कटिंग हो रही है उनको कटिंग कर देते हैं, कट कर देते हैं। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये टोटल टर्म्स इस टोटल टर्म्स के साथ कैंसिल, इधर से एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 के साथ कैंसिल और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसिल। रिमाइंडर हमारे पास क्या रह गया, 3x माइनस 11 इज इक्वल ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी रोंडी ब्रैकेट ऑन ऑफ मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3। अब हम इसको डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, 1 इक्वेशन नंबर। अब हमने इसको मजीद यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को कन्वर्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। कैसे, यानी कि हम इसको ए एक्स के ए को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी और बी एक्स प्लस सी को भी बारी बारी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3x माइनस 11 इज इक्वल ए को बारी बारी मल्टीप्लाई करें ए एक्स स्क्वायर प्लस ए। नेक्स्ट, बी एक्स मल्टीप्लाई होगा बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3bx। अब सी को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स प्लस 3c। नेक्स्ट,
डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट पे, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट वैल्यू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट अब एक्स वाली प्लस थ्री बी एक्स प्लस सी एक्स, अब विद आउट एक्स प्लस थ्री बी सॉरी प्लस ए विद आउट एक्स प्लस थ्री सी। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर में से क्या चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर कॉमन, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स थ्री बी प्लस सी एक्स कॉमन। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये कांस्टेंट है ए प्लस थ्री सी एक्स नॉट। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक्स नॉट मीन अगर बेस की पावर जीरो हो तो जवाब कितना होता है, वन। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू हुई हमारे पास, एक्स ओ सॉरी कांस्टेंट थ्री एक्स माइनस अलेवन। अब हम इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर टू। अब हम जीरो मेथड यूज़ करेंगे, एक्स प्लस थ्री को इक्वल ज़ीरो रख के एक्स की वैल्यू जो आएगी उसको इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। अब इधर लिखेंगे पुट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल ज़ीरो इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल माइनस थ्री, कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन नंबर वन। क्या बन जाएगा हमारे पास, अब x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, माइनस का थ्री इक्वेशन नंबर कौन सी में, वन में। क्या लिखेंगे, थ्री इंटू एक्स की जगह पर माइनस थ्री माइनस अलेवन इज इक्वल ए इंटू एक्स की जगह पर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वन, नेक्स्ट बी प्लस बी इंटू माइनस थ्री प्लस सी इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री। अब डियर स्टूडेंट्स, प्लस का थ्री जब माइनस के थ्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का नाइन माइनस अलेवन इज इक्वल ए एज इट इज। अब बेस माइनस में पावर इवन में जो आप प्लस में थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस वन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, तो जो माइनस का थ्री प्लस का थ्री जीरो जीरो इस टोटल रकम के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो टोटल रकम क्या होगी, ज़ीरो। अब नेक्स्ट माइनस का नाइन माइनस का अलेवन माइनस का ट्वेंटी इज इक्वल ए इंटू टेन। अब नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर टेन हमारे पास ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या होगा, डिवाइड माइनस ट्वेंटी ओवर टेन इज इक्वल ए। अब कटिंग हो जाएगी हमारे पास, टेन वन ज़ार टेन, टेन टू ज़ार ट्वेंटी, और ए की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट फाइंड हो जाएगी माइनस का टू, ए इज इक्वल माइनस का टू। अब नेक्स्ट, अब हमने बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, अब हम इक्वेशन नंबर टू से वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे बी और सी की। अब फर्स्ट में देखें इक्वेशन नंबर टू की तरफ, एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट अगर मैं इक्वल रखता हूँ दोनों तरफ तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली और बी की वैल्यू पुट करके इधर से मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, ए की। इसी तरीके से मैंने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि अब सी इधर हमारे पास मौजूद है एक्स का कोफिशेंट, अब बी की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी तो इधर से मैं एक्स के कोफिशेंट अगर इक्वल रखता हूँ दोनों तरफ तो मैं इधर से क्या वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, बी की। अब मैं इधर डियर स्टूडेंट लिखता हूँ इक्वटिंग कोफिशेंट्स ऑफ किस किस के वेरिएबल कोफिशेंट इक्वल रखता हूँ, एक्स स्क्वायर एंड एक्स ऑन बोथ साइड्स, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर टू। क्या बनेगा हमारे पास,
एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमारे पास इधर क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल, अब इधर एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं है डियर स्टूडेंट्स, अब ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, जीरो के। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक्स के कोफिशियंट इक्वल रखेंगे, एक्स का इधर कोफिशियंट क्या है, थ्री बी प्लस सी इज इक्वल, इधर एक्स का कोफिशियंट क्या है डियर स्टूडेंट, थ्री, अब ये किसके इक्वल आएगा, थ्री के। अब हमने वैल्यू जो है इसमें पुट करनी है ए की और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज ए इज इक्वल माइनस का टू, ए की जगह पर माइनस टू प्लस बी एज इट इज इक्वल जीरो, ये माइनस का टू दूसरी तरफ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, प्लस का टू, बी इज इक्वल टू। अब हमारे पास ये क्या फाइंड होगी, बी की वैल्यू। नेक्स्ट, अब हमने इधर से सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी हमारे पास कितना है, टू, बिकॉज बी इज इक्वल टू, क्या बनेगा हमारे पास, थ्री इंटू बी की जगह पर टू प्लस सी इज इक्वल थ्री, थ्री को टू के साथ मल्टीप्लाई किया, सिक्स प्लस सी इज इक्वल थ्री, अब प्लस का सिक्स इधर प्लस का दूसरे तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का सी इज इक्वल थ्री माइनस सिक्स, और सी इज इक्वल कितना, माइनस का थ्री। अब ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, सी की वैल्यू, ए भी फाइंड कर लिया हमने, बी भी फाइंड कर लिया, और सी भी फाइंड कर लिया, अब हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिख देंगे, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, क्या बनेंगे हमारे पास, अब ए की जगह पर हमने क्या पुट करना है डियर स्टूडेंट्स, माइनस टू ओवर एक्स प्लस थ्री, प्लस बी की जगह पर हमने क्या पुट करना है, टू एक्स एज इट इज, प्लस सी की जगह पर माइनस थ्री राउंडेड ब्रैकेट ऑन ऑफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, Hence, अब हमारे पास 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन आगे लिख देंगे, माइनस 2 ओवर x प्लस 3 प्लस 2x, ये जमा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जमा माइनस माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास इसके क्या फाइंड हो जाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स के आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ लग गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।